सॉफ्टवेयर अपडेट। तो गाइज वीवो ने अपने और एक डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट जो है पोस्ट कर दिया है वीवो V20 के अंदर। तो गाइज इस अपडेट को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं किशोर, आप देख रहे हो राधे वीट्स। सो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo V20। तो गाइस सबसे पहले आपका डेटा जो आपको ऑन कर देना है, अगर आप वाईफाई से करोगे तो भी आपका सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गाइस जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम अपडेट, यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फनटच ओएस 6.70.49, और गाइस इसकी साइज भी आप देख सकते हो 200 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इस फोन के अंदर तेज़ी से जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी डेटा स्पीड कितनी आ रही है 3.7 MBPS। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो अभी रिसेंटली अपडेट की प्रोसेस में चला गया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, और हमारा सॉफ्टवेयर था वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वीवो की ब्रांडिंग आ चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस एनी बटन आफ्टर द अपडेट, यानी कि जब भी हमारा फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में होता है तब आपको कोई भी चीज़ जो है प्रेस नहीं करनी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और एक बात दोस्तों कि जब भी आप अपना फ़ोन जो अपडेट करते हो तो आपका फ़ोन का चार्जिंग जो 50% से ऊपर रहना चाहिए, फिर क्या होता है कि हमारा फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में होता है फिर स्टार्ट नहीं हो पाता कभी कभी चार्जिंग की वजह से। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोसेस जो वो ख़त्म होने वाली है, फिर शायद और एक प्रोसेस लेगा, फिर हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अगेन वीवो की ब्रांडिंग आ चुकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बाय एंड्रॉइड। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग द एप्स, 127 एप्स इसके अंदर जो ऑप्टिमाइज हो रही है, तो ये प्रोसेस भी अपने आप ही खत्म होती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और एक बात फ्रेंड्स कि जब भी आप अपना फ़ोन जो अपडेट करते हो तो सिर्फ आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है, आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता। तो गाइज़ फाइनली हमारा फ़ोन जो वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यानी कि जो अभी रिसेंटली हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है, और अपडेट होने के बाद हमारा फ़ोन जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है इसीलिए यहाँ पे लोडिंग वगैरह ले रहा है। तो गाइज़ आप सेटिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हुआ है कि नहीं। तो सेम वही प्रोसेस है, सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन 6.70.49। तो कुछ इस तरीके से वीवो V20 के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।